हेलो गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आई हर्षिता पारेख वेलकम्स यू अगेन इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आई एम बैक हियर विद द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, अबाउट सम थर्मोडायनामिक टर्म्स। नाउ इन टुडेज लेक्चर, इन टुडेज क्लास, I am going to start my class with the topic work, the pressure volume work here. But before starting the topic PV work or the pressure volume work, I just want to recall the reversible and the irreversible process here. चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बाय द टॉपिक रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हम थोड़ा सा जो है वो पिछले लेक्चर की कंपैरिजन में थोड़ा सा डीप में जा करके जो है वो बात करेंगे अबाउट द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस। रीजन वी हैव टू स्टडी अबाउट द वर्क हेयर, और उस वर्क में जो हमें बात करनी है वो हम रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क की जो है वो बात करेंगे। दैट इज़ वाई हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करते हुए फिर आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जहाँ हम बात करेंगे अबाउट द वर्क हेयर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Reversible process in the irreversible process से चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ about the reversible and the irreversible process की। चलिए If I just talk about the reversible process, चलिए इसको जो है वो एक example से समझने का try करते हैं कि जो है वो होता क्या है। इसकी हालांकि हमने बात कर ली थी रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल, वी हैव टॉक अबाउट दिस, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दिस इज द सिस्टम हेयर, कोई गैसीय सिलेंडर जो है वो आप हमेशा थर्मोडायनामिक्स में अपनी स्टडी के लिए चूज करते हैं। दिस इज पिस्टन, एक पिस्टन लगा हुआ कोई जो है वो आपके पास में गैसीय सिलेंडर है जिसमें कोई गैस जो है वो फिल है। ओके चलिए ऐसा ही गैसीय सिलेंडर मैं इस तरफ बात करती हूँ। दिस इज़ द गैसीय सिलेंडर हेयर जिसपे एक पिस्टन जो है वो लगा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस जो है वो फिल है। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस। हमें पता है ये वो प्रोसेस हैं जिनमें कि आप जो है वो जिस टाइम चाहें उस टाइम जो है वो रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो बदल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को जो है वो हर स्टेज के ऊपर जो है वो बदला जा सकता है, रिवर्ट किया जा सकता है। आप जिस पॉइंट से चाहें उस पॉइंट से जो है वो रिवर्स बैक करवा सकते हैं प्रोसेस को। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है वो कोई एक कीप की जो है वो हेल्प से आप यहाँ पर जो है वो एक कुछ पार्टिकल जो है वो डाल रहे हैं, कोई भी पाउडर फॉर्म आपके पास में है जिसको आप जो है वो एक एक पाउडर का एक एक पार्टिकल जो है वो कर करके उस पाउडर को यहाँ पर डाल रहे हैं। सपोज दैट सैंड है, और यहाँ अगर हम सैंड का एक एक जो है वो पार्टिकल डाल रहे हैं, वॉट विल हैपन हेयर। आप यहाँ पर आपने सैंड का एक पार्टिकल लिया, उसको डाला, दूसरा पार्टिकल लिया, तीसरा पार्टिकल लिया, और एक एक पार्टिकल जो है वो हम एक एक पार्टिकल करके जो है वो अगर सैंड को डाल रहे हैं, व्हाट विल हैपन हेयर। हम जिस प्रोसेस से चाहें एक पार्टिकल अगर आप डालेंगे, देयर विल बी नो मेजर इफेक्ट ऑन द प्रेशर। चलिए मानते हैं हम यहाँ पे द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि लगाया जा रहा है पी एक्सटर्नल, एंड द गैशियस प्रेशर दैट विल बी द पी इंटरनल हेयर, राइट। P internal, that is the P gaseous, P internal कहें या वो है P gas। अंदर जो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल है उसका जो प्रेशर है दैट इज द इंटरनल प्रेशर और द प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर के अंदर जो है वो कोई डिफरेंस होगा क्या, एक बार बताइए। क्या अगर मैं कहूँ कि P internal दैट इज इक्वल टू द P external एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस की किसी भी स्टेट पर आप बात कर लीजिए, हर स्टेट पर जो है वो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के अंदर, राइट। चलिए
जब अगर मैं बात करूँ यहाँ हर स्टेट के ऊपर जो है वो प्रेशर चेंज हो रहा है, इट मीन्स द प्रेशर इज द वेरिएबल हेयर। यहाँ पे वेरिएबल है प्रेशर हर स्टेट के ऊपर, हर एक स्टेट के ऊपर जो है वो आपके पास में प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। नाउ इसी की जगह आप किसी ऐसे सिस्टम की बात कीजिए जहां आपने डायरेक्ट जो है वो 1 kg का कोई जो है वो वेट यहां पर डाल दिया। नाउ व्हेन वी पुट द वेट ऑफ 1 kg हेयर ऑन द पिस्टन, व्हाट विल हैपन हेयर, ये अचानक से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा और सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर हेयर, तो यहाँ पर जो प्रेशर था वो एक्सटर्नल प्रेशर इन द पी इंटरनल अगेन सेम द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाई द गैस, गैशियस प्रेशर को ही हम यहाँ पर इंटरनल प्रेशर कह रहे हैं, वाइल द पी एक्सटर्नल प्रेशर जो आपने यहाँ पर पिस्टन के ऊपर अप्लाई किया है। नाउ इन दिस केस ऑफ रिबर्सिबल प्रोसेस वी आर जस्ट पुटिंग अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल ऑफ द सैंड वी आर पुटिंग ऑन द पिस्टन। यहाँ अगर मैं बात करूँ हर स्टेट के ऊपर, हर स्टेट के अंदर जो है वो प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर जो है वो वेरिएबल है। इंटरनल प्रेशर जो है वो हर स्टेट पर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ आपने एक साथ जो है वो 1 kg का जो है वो कोई वेट जो है वो पिस्टन पर डाल दिया है, व्हाट विल हैपन हियर, पिस्टन अचानक से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, राइट। अच्छा जी चलिए, क्या पी एक्सटर्नल हर स्टेट पर पी इंटरनल के इक्वल है? नो, पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल्स टू द पी इंटरनल एट एनी स्टेट ऑफ द प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल था, और फाइनल स्टेट के अंदर भी एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल आ गया है। लेकिन जो यहाँ पर अगर मैं हर स्टेट की बात करूँ कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने पे जितना भी चेंज हुआ है, हर स्टेट की अगर बात किया जाए तो पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल्स टू द पी इंटरनल हेयर इन दिस केस। ओनली देर आर 2 situations, फर्स्ट इज द इनिशियल सिचुएशन इन द लास्ट इज, और द सेकेंड इज द फाइनल सिचुएशन वेयर द एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल विद द इंटरनल प्रेशर हेयर इन द सिचुएशन। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो है वो आप इस प्रोसेस को इस स्टेज पर ला करके वापस लौटा दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? हमने पिस्टन के ऊपर एक जो है वो 1 kg का वेट जो है वो एक साथ डाल दिया है, क्या ये पॉसिबल है कि इस पॉइंट से इस जो है वो प्रोसेस को वापस रिवर्ट बैक किया जा सके? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल हेयर, दैट इज वाई इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ मैं कह रही हूँ यहाँ आपने धीरे 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 एक एक पार्टिकल करके आप डालते जा रहे हो और फाइनली जो है वो आपके पास में पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाता है। नाउ टेल मी, अगर हमने कहा कि एट दिस पोजीशन वी जस्ट वांट टू रिवर्ट बैक द पिस्टन, रिवर्ट बैक द प्रोसेस, कैन वी? यस वी कैन। हम इस पॉइंट से जो है वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपने एक एक पार्टिकल डाला था, अब एक एक पार्टिकल को रिमूव करते जाइए, वापस हम जिस स्टेट से चाहें उस स्टेट से जो है वो प्रोसेस को रिवर्ट बैक करवा सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, इन द रिवर्सिबल प्रोसेस पी इंटरनल इज इक्वल टू द पी एक्सटर्नल एट एनी स्टेट ऑफ द प्रोसेस। जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पर, हर स्टेट के लिए पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के इक्वल होगा। वाइल द पी एक्सटर्नल एंड द पी इंटरनल इज नॉट इक्वल्स विद ईच अदर एट एनी स्टेट ऑफ द प्रोसेस। सिर्फ 2 conditions जो है वहाँ पर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के इक्वल जाएगा। फर्स्ट इज द इनिशियल स्टेट एंड द सेकेंड इज द फाइनल स्टेट है। ओके चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो पी जो था, प्रेशर जो था फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस वो वेरिएबल था। हमें पता है हर एक पॉइंट पर आप जो है वो सेंट का एक 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 करके पार्टिकल डाल रहे हैं। नाउ इट मीन्स प्रेशर वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, हर स्टेट पर जो है वो प्रेशर वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट हेयर, यहाँ अगर बात करें तो प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल प्रेशर यार। अच्छा जी चलिए, पी एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूँ तो पी एक्सटर्नल इज कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है, जबकि यहाँ जो है वो ये वेरिएबल है।
एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, आपने 1 kg का जो है वो अचानक से वेट उसके ऊपर जो है वो डाल दिया है. वेन वी आर पुटिंग द वेट ऑफ 1 kg ऑन दिस पिस्टन तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ पर हर स्टेट के लिए जो है वो नहीं चेंज हो रहा है. नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस रिवर्सिबल प्रोसेस, दीज आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्लो प्रोसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो धीरे होने वाले प्रोसेस हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट चलेगा. तो रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो क्वासी स्टैटिक होंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो जो है वो होते हैं. दीज अकर वेरी स्लोली, बहुत धीरे जो है वो होने वाला प्रोसेस है, मतलब कंप्लीशन के अंदर बहुत लंबा टाइम जो है वो यहाँ पर लगेगा. मान लीजिए आपको जो है वो यहाँ पिस्टन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, इस चेंज के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो आप एक 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 सैंड का पार्टिकल जो है वो यहाँ पे डाल रहे हैं किसी भी पाउडरिस फॉर्म में अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है. व्हेन वी आर जस्ट पुटिंग सिंगल पार्टिकल ऑन द पिस्टन तो आपको इतना जो है वो उस पिस्टन को चेंज करवाने के लिए एक लंबा टाइम जो है वो लगेगा, जबकि दीज आर द प्रोसेस विच अकर वेरी क्विकली. आपने जैसे ही यहाँ पर जो है वो वेट डाला, पिस्टन फटाक से जो है वो नीचे पहुँच जाएगा. इट मीन्स बहुत तेजी से होने वाले जो है वो प्रोसेस है. दीज आर द प्रोसेस विच अकर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट जो है वो प्रोसेस होते हैं, इनको कंप्लीट होने में एक लंबा टाइम लगता है, जबकि ये जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द वर्क हेयर, हमें वर्क की ही बात करनी है, तो वर्क जो आपके पास में यहाँ पे होगा इन द रिवर्सिबल प्रोसेस दैट विल बी मैक्सिमम हेयर, मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता है. इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल तो आपको जो है वो वहाँ पे मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है, या ये कह दें कि ज्यादा काम करना पड़ेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए. व्हाइल आई विल जस्ट टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहां जो वर्क होता है वो आपके पास में कम होता है, मिनिमम होता है एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट ओके. नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, like volume, like temperature, we can measure at any of the state in these type of the processes. Reversible process में आप जिस time चाहें उस time जो है वो pressure को, volume को, temperature को या किसी भी दूसरे thermodynamic variable को जो है वो क्या कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, define कर सकते हैं. While if we'll just talk about the irreversible process और हमने कहा कि किसी भी state पर जो है वो pressure, volume और temperature को बता पाना पॉसिबल नहीं है. सपोज दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, व्हाट इज द वॉल्यूम हेयर व्हेन द पिस्टन इज इट इज ऑन दिस पोजीशन. पिस्टन जब आपका यहाँ इस पोजीशन पे है तो क्या प्रेशर आप बता सकते, क्या आप वॉल्यूम बता सकते, नहीं बता सकते, क्या आप टेम्परेचर बता सकते, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. रीजन, आपने 1 kg का वेट जो है वो पिस्टन पे रखा और जैसे ही आपने पिस्टन पे रखा, पिस्टन अचानक से जो है वो फटाफट जो है वो एकदम नीचे पहुंच जाएगा. इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, टू एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल एट एनी ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोसेस. इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस किसी भी स्टेट के लिए किसी भी पॉइंट पर जो है वो प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को नहीं बताया जा सकता. व्हाइल वी कैन ईजीली एक्सप्लेन द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनी अदर थर्मोडायनामिक वेरिएबल एट एनी स्टेट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की किसी भी स्टेट पर, इनिशियल और फाइनल के अलावा अगर मैं यहाँ बीच में भी कोई पॉइंट बोलूँ तो वहाँ पर भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है. वाइल यहाँ 1 kg का वेट रखते ही पिस्टन नीचे पहुँच जाएगा, आप वहाँ पर जो है वो प्रेशर नहीं बता सकते हो, बीच में किसी स्टेट के लिए प्रेशर नहीं बता सकते हो, बीच में किसी स्टेट के लिए वॉल्यूम नहीं बता सकते हो, टेम्परेचर नहीं बता सकते हो और ऐसे किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को हम बीच की किसी स्टेट के लिए जो है वो नहीं बता सकते, नहीं डिफाइन कर सकते, राइट. बट वी कैन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ओनली. इनिशियली क्या प्रेशर था, क्या वॉल्यूम था, कितना टेम्परेचर था, दैट कैन बी मीजर.
फाइनली जो है वो प्रेशर कितना हो गया है, वॉल्यूम कितना हो गया और टेम्परेचर कितना हो गया है, दैट कैन ऑल्सो बी मीजर है राइट. सो दिस इज अबाउट द सम डेप्थ डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस. हमने कुछ थोड़ा सा जो है वो डिटेल में हमने बात किया, जहाँ पे हमें ये वाले जो टर्म्स हैं ये बहुत काम आएंगे कि यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट होने वाला है वाइल द एक्सटर्नल प्रेशर वेरीज हेयर इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. यहाँ पिंटर अपी इंटरनल इट मीन्स द इंटरनल प्रेशर विल बी इक्वल्स विद द एक्सटर्नल प्रेशर, जबकि यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं होता. इनिशियल फाइनल जो है वो कंडीशन में होता है, लेकिन मैं कहूँ इन बिटवीन यहां पर जो है वो ऐसा नहीं होगा. बहुत लंबा टाइम कंप्लीट होने के लिए लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाते हैं. बहुत स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, बहुत स्लो होने वाले प्रोसेस है, बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाते हैं. मैक्सिमम वर्क यहाँ पर जो है वो करना पड़ता है वाइल द वर्क विच वी डन हेयर इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्लीशन में जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो यहाँ पर जो है वो मिनिमम होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस. और इसी के साथ में जो है वो हमारा ये वाला कंप्लीट होता है. नाउ वी आर मूविंग इन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क पीवी वर्क की जो है वो बात करते हैं. चलिए Yes, now we are talking about the work here. Work या हम इसे लिख देते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क. बात करेंगे क्यों उसको कह रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क या आप कह दें पी वी वर्क हेयर. पी वी वर्क या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की जो है वो हम बात करते हैं. चलेगा. अगर हम कहें कि when there is change in the state, it means there is change in energy. और जब आपके पास में स्टेट चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज होगी और एनर्जी चेंज हो रही है तो आप ये भी कहेंगे कि वहाँ पर काम हो रहा है राइट. इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन देयर इज चेंज इन द स्टेट इट मीन्स देयर इज चेंज इन द एनर्जी एंड देयर इज वर्क डन ऑल्सो राइट. आप ये नहीं कहा कि वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, दैट विल डिपेंड ऑन द केस. लेकिन कभी भी आपके पास में सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है तो सिस्टम का स्टेट जब भी चेंज होगा तो आप कह सकते हैं कि देयर इज चेंज इन एनर्जी. When there is change in the state of the system, we can easily say that there is change in the energy of the system. Energy जो है वो भी change हो रहा है. Energy change also occur here. और आप कह सकते हैं there is work done. जब भी अगर है आपके पास में स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है, इट मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इट मीन्स देयर इज द चेंज ऑफ एनर्जी एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द वर्क इज डन हेयर. वर्क भी वहाँ पर हो रहा है. जब कभी भी सिस्टम की स्टेट बदल रही है इसका मतलब वहाँ एनर्जी चेंज है और एनर्जी चेंज है साथ ही साथ में वहाँ पर काम भी हो रहा है. चलेगा. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क की हमें जो है वो बात करनी है, पीवी वर्क की हमें जो है वो बात करनी है, तो देखिएगा एक्चुअली व्हेन द सिस्टम इज गैशियस. मान लीजिए आपके पास में जो सिस्टम है दिस सिस्टम इज द गैशियस सब्सटेंस हेयर द सिस्टम इज द गैशियस सब्सटेंस हेयर. और जब आपके पास में सिस्टम जो है वो गैशियस सब्सटेंस है और वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है एंड देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू द प्रेशर राइट. क्या कहा हमने, व्हेन द सिस्टम इज द गैशियस सब्सटेंस एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर. व्हेन देयर इज गैशियस सब्सटेंस व्हेन द सिस्टम इज द गैशियस सब्सटेंस एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर देन वर्क इज से टू बी
प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तभी हम जो है उसको पीवी वर्क कहते हैं। अगर आपके पास में गैशियस सब्सटेंस है और प्रेशर के अंदर डिफरेंस है, देखिएगा कोई भी गैशियस सिस्टम है जहाँ पर देर इज डिफरेंस इन द प्रेशर, तो या तो जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो या तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो। इन बोथ द केसेस पिस्टन विल मूव हियर, या तो पिस्टन नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगा, अदरवाइज पिस्टन विल मूव अपवर्ड। इफ there is upward movement in the piston, there is the work done by the system. Work done by the system. सिस्टम काम कर रहा है, पिस्टन पर काम कर रहा है, और इसीलिए पिस्टन ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, और उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो एक्सपेंशन जो है वो हो रहा है, देयर इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जो है वो हो रहा है। नाउ आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑफ द इंटरनल प्रेशर, इन दैट सिचुएशन पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड, एंड व्हेन पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड तो भी काम हो रहा है, लेकिन अब की बार काम जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, अब की बार काम ऑन द सिस्टम हो रहा है, और यहाँ पर जो वर्क हो रहा था बाय द सिस्टम हो रहा था। दिस इज द वर्क बाय द सिस्टम एंड दिस इज द वर्क ऑन द सिस्टम एंड दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन है, और ये कंप्रेशन है जबकि ये एक्सपेंशन का केस जो है वो होगा, राइट। इट मीन्स अगर कोई भी गैशियस सिस्टम है तो उसमें डिफरेंस अगर प्रेशर में है, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में अगर डिफरेंस है, चले तीसरा केस में अगर मानो देयर आर थ्री केसेस, द फर्स्ट केस इज पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स विद द पी इंटरनल, इन द सिचुएशन देयर विल बी नो मूवमेंट इन द पिस्टन, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम एंड देयर विल बी नो वर्क डन, राइट। इफ द पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स विद द पी इंटरनल, इस केस में पिस्टन के अंदर मूवमेंट नहीं होगा और सिस्टम जो है ना काम कर रहा है ना सिस्टम पर काम हो रहा है, राइट, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑल्सो। और अगर मान लीजिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन भी जीरो ही होगा, ओके चलेगा। आगे अगर मैं बात करूँ, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड द इंटरनल प्रेशर इक्वल्स विथ ईच अदर, सेकेंड सिचुएशन पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी इंटरनल हो सकता है, ये वाली सिचुएशन आपके पास में कब थी, जबकि कंप्रेशन वर्क जो है वो हो रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा था, पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एयर, कंप्रेशन का काम जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करती हूँ, द थर्ड सिचुएशन, वो आपके पास में जो थर्ड केस है, दैट कैन बी द पी इंटरनल इज ग्रेटर देन ऑफ द पी एक्सटर्नल, इट मीन्स इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की तरफ अपवर्ड होगा, एंड व्हेन पिस्टन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वॉल्यूम इंक्रीजेज हियर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम दिस टाइम एंड दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रही है गैस, एक्सपेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी गैशियस सिस्टम अगर आपके पास पे है और प्रेशर के अंदर डिफरेंस है, तो आपके पास में जो है वो वहाँ पर काम जो होगा उसको कहा जाएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। रीजन, ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर देयर इज द चेंज इन वॉल्यूम, और उसी के वजह से यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है, दिस इज व्हाई वी कैन से दैट द वर्क इज द पीवी वर्क और द प्रेशर वॉल्यूम वर्क हियर, ओके चलेगा। और अगर हम बात करें, चलिए हम यहाँ पर एक जो है वो बात करेंगे अबाउट द फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला से जो है वो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। W इज इक्वल्स टू पी डी वी जो है वो होता है, आपको जो है वो पता ही होगा, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन व्हेन गैस expands or contracts, it is the work done when gas expands, या तो gas जो है वो expand हो रही है या gas जो है वो contract हो रही है, contraction वहाँ पर हो रहा है, किसके वजह से, due to external pressure,
एक्सटर्नल प्रेशर, अगर जो है वो गैस एक्सपैंड कर रही है या गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप यहाँ पर जो है वो कहेंगे कि ये जो वर्क हो रहा है वो आपके पास में जो है वो पीवी वर्क है, या वर्क यही होता है ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम, ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज वर्क हेयर। ओके चलिए अब यहाँ से बात करते हैं। देखिए इट इज द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट टू द ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे प्रीवियस सिचुएशन कुछ यहाँ थी, नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको आपकी बार ऊपर जो है वो मान रही हूँ। दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन है ये एंड ये फाइनल पोजिशन है। ओके हैव अ लुक हियर, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पिस्टन, यहाँ आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लगाया हुआ था। राइट नाउ वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर हेयर, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर देर विल बी मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन द डाउनवर्ड, देर विल बी मूवमेंट ऑफ द पिस्टन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ पिस्टन जो है वो मूव करेगा, वर्क यहाँ पे सिस्टम पे होगा, यहाँ पर कंप्रेशन का काम हो रहा है और यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा चलेगा। मान लीजिए हम दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर इन दिस सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन, अब आपने यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और पिस्टन यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाता है, और मैं मानती हूँ कि ये जो मूवमेंट हुआ है देयर आर चेंज इन द लोकेशन ऑफ द पिस्टन, दिस इज स्मॉल चेंज डी एक्स जो है वो हमने माना। राइट चलेगा, दिस इज द डी एक्स विच इज द स्मॉल चेंज हेयर, स्मॉल चेंज जो है वो आपके पास में हो रहा है किसकी वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से। राइट चलिए अब हम बात करते हैं डब्ल्यू की, वर्क की जो है वो हम बात करते हैं। वर्क डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, ये हम जो है वो नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, यही आपके पास में वर्क के लिए जो है वो फॉर्मूला होता है, W वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर जो है वो आपके पास में चेंज हो रहा है तो मैं इसको एफ ई एक्स ले देती हूँ। ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स देयर इज चेंज इन द लोकेशन, चेंज इन द प्लेस, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हो रहा है दैट इज डी एक्स हेयर। राइट तो W इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी एक्स हेयर। वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर हेयर, देखिएगा यहाँ आप जो है वो बात कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर की जो है वो बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई किया है। मान लीजिए अगर ये जो है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, इफ दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन हेयर, एक्सपेंशन का काम हो रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ द वर्क एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वर्क एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ओपोज विथ ईच अदर, एक दूसरे के ओपोजिट है, और इस कंडीशन में आपके पास में यहाँ पे जो W का वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। ओके चलिए देखिएगा पहली मैंने जो है वो यहाँ पे जो सिचुएशन बताई है, या पहली हमने जो है इसको, चलिए कन्फ्यूजन ना हो मैं डॉट लगा देती हूँ। राइट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हेयर वेयर W इज इक्वल्स टू द फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट एफ एक्सटर्नल, द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच वर्क इज डन हेयर। राइट तो W इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बहुत थोड़ा सा जो है वो चेंज हो रहा है और माइन्यूट के लिए आप जो है वो यहाँ पे dx जो है वो ले रहे हैं। राइट तो W इज इक्वल्स टू f इंटू dx यार चलेगा। हमने जो है वो इक्वेशन और पढ़ी होती है छोटे जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर, इन प्रीवियस स्टैंडर्ड जो बचपन वाली क्लासेस होती है नाइन्थ एंड ऑल, प्रेशर के लिए प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया जो है वो होता है। राइट द फोर्स ऑन यूनिट एरिया दैट विल बी द प्रेशर एयर। राइट तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले इक्वेशन से फोर्स को जो है वो निकालना चाहूँ, वी कैन से दैट एफ इज इक्वल्स टू प्रेशर इन टू एरिया हेयर। ओके एफ इज इक्वल्स टू बी इन टू ए,
दिस इज इक्वेशन नंबर टू हेयर. नाउ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन हेयर वी कैन गेट द सिचुएशन दैट W इज इक्वल्स टू P, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर. तो मैं यहाँ पे P एक्सटर्नल ले लेती हूँ एंड मल्टीप्लाई बाय A. दिस इज द वैल्यू ऑफ F हेयर, राइट? चलेगा. यहाँ मल्टीप्लाई बाय dx भी था, ये लीजिए dx ले लीजिए. नाउ वी विल, चलिए आई थिंक बोर्ड मुझे जो है वो थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, वेट फॉर अ सेकेंड. चलिए यहीं पर हम जो है वो उसकी बात करते हैं. हमने यहाँ एक सिचुएशन देखी है दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हेयर, राइट? डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमने बात किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर dx है. फोर्स की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल F लिखूँ पहली बात. दूसरी बात, एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो इसको मैं जो है वो Fex लिख देती हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. उसके बाद हमने कहा कि फोर्स जो है होता है आपके पास में इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स, इट मींस दिस विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द एरिया. दिस इज इक्वेशन नंबर टू हेयर. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन हेयर आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू टू इक्वेशन नंबर वन. फ्रॉम equation 2 and equation 1. Equation 2 और equation 1 को जो है वो अगर बात किया जाए तो W will be equals with the external pressure multiplied by area multiplied by the dx, that is the displacement area. Now we know it very well that volume is equals to area into डिस्प्लेसमेंट. पता है आपको ये चीज? चलेगा. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इन टू डिस्प्लेसमेंट, या हमारे पास में जो है वो होता है वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला. अब ए इंटू डी एक्स की जगह जो है वो आप यहाँ, जब आप यहाँ पे स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको चेंज इन वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी. सो वी की जगह डी वी लिया है. रीजन, आप यहाँ स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल चेंज की बात करनी पड़ेगी. तो डी वी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स होता है. चलेगा. फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड थर्ड हेयर. मैंने इस बार इसको जो है वो इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर फोर्थ माना. By putting the value from equation number 4 into equation number 3rd, we can get that from equation 4 and 3. W is equals to P external dot dV, right? PdV. W is equals to PdV जो है वो आप कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर है, तो P external dV जो है वो आपने यहाँ पे कहा है. वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपेंशन की अगर बात करी जा रही है या वर्क जो है वो मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है बाय द एक्सटर्नल प्रेशर. देखिएगा, प्रेशर जो है वो कहाँ, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं. एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा जो है वो ये कह सकते हैं जब हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ है, जबकि वर्क जो है वो कुछ इस तरह से हो रहा है. वर्क इज ओपोज विद द प्रेशर हेयर, और इस कंडीशन में हमेशा जो है वो निगेटिव साइन आता है. इट मीन्स W इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क. दिस इज द जनरल फॉर्मूला है आपके पास में वर्क के लिए. इसके अलावा जो है वो अब हम बात करेंगे इन द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस. अलग अलग कंडीशंस में जो है वो हमको वर्क निकालना है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस, और भी बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क की बात करेंगे. अलग अलग प्रोसेसेस के लिए जो है वो वर्क की बात करेंगे. चलिए उससे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आज की क्लास में अबाउट द यूनिट्स एंड द साइन कन्वेंशन फॉर दिस, राइट? चलिए, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यही है मेन आपके पास.
जनरल फॉर्मूला है, यही जो है वो आपके पास में मेन एक्सप्रेशन है W के लिए, दैट इज W इज इक्वल्स टू माइनस पीडीवी। वापस समझते हैं एक बार आया कैसे। बाय द डेफिनेशन वी नो इट वेरी वेल दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा W इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय द एरिया मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल डिस्टेंस से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका d आया है। अदरवाइज मान लीजिए ये जो है वो था x, लेकिन ड्यू टू द स्मॉल चेंज आपने इसको dx लिखा है। सो बाय पुटिंग दिस यहाँ पर वॉल्यूम a इंटू dx, द एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल इक्वल्स विद द वॉल्यूम है r। स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट जो था, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम भी स्मॉल रखा गया है, डीवी रखा गया है। वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे, ए इंटू डी एक्स की जगह डीवी लिखा, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डीवी। वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर, चाहे आप यहाँ से ही जो है वो निगेटिव साइन लेते हुए आए, नो इशू, दिस इज निगेटिव है यार, और जब ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा। ओके डन। What is the reason यार? Reason is this, the work is done in this direction while the force is in this direction. External force की ही बात हो रही है, external force की वजह से जो है वो यहाँ पे कितना expansion जो है वो हुआ है। दोनों एक दूसरे के opposite है और हमेशा इस condition में जो है वो आपके पास में minus का जो है वो sign आता है। So W is equals to minus PdV. This is the main situation, मेन इक्वेशन फॉर द वर्क। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द साइन कन्वेंशन एंड द यूनिट्स ऑफ वर्क। यस, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन। चलिए साइन कन्वेंशन की पहले बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट फॉर वर्क। ये दो टॉपिक जो है वो अब हमको देखने हैं, साइन कन्वेंशन एंड द यूनिट और यूनिट ऑफ वर्क। फर्स्टली साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, बाद में बात करेंगे अबाउट द यूनिट ऑफ वर्क। चलिएगा, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ द वर्क, एक्सपेंशन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है। हम दोनों ही टाइप के जो है वो वर्क की बात कर लेते हैं, एक्सपेंशन एंड द compression, the work of expansion and the work of compression. Firstly, we are talking about the expansion. The case of the expansion की बात करें, देखिएगा expansion का case जो है वो अगर आप बात करें, इसका मतलब this is the thermodynamic system, ये जो है वो piston लगाया हुआ है, यहाँ gas जो है वो भरी हुई है। expansion की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए, P internal should be greater than of the P external होना चाहिए। In this situation, it will, the internal pressure is higher than of the external pressure. It means piston will move upward. चलिए volume की अगर मैं बात करूँ, initial volume मान लीजिए V1 था, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास में V2 है। बताइए V1 ज़्यादा है या V2 ज़्यादा है, एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब V2 इज़ ग्रेटर देन ऑफ V1 यार, राइट। द फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम है यार। कंप्रेशन के केस की बात करती हूँ, दिस इज द थर्मोडाइनामिक सिस्टम अगेन, अ गैशियस सिस्टम जिसमें कि पिस्टन लगाया हुआ है। P internal and the P external, compression कब होगा, जबकि external pressure ज़्यादा हो तो compression होगा। P external is greater than the P internal यार। In this situation, piston will move downward, piston नीचे की तरफ जो है वो move करेगा, piston will move downward, piston नीचे की तरफ move करेगा। अब देखिएगा, in this situation when the P external is greater than of the P internal, external pressure ज़्यादा है मतलब volume, initial volume is V1 है यार, while the final volume is V2. Initially volume ज़्यादा था, अभी piston नीचे जा रहा है, volume जो है वो decrease हो रहा है, volume कम हो रहा है, it means V1 is greater than of the V2 है यार, right? चलिए अगर यहाँ पे हमने, वहाँ पर एक बात जो है वो करना हम भूल गए थे, देखिए मैं बता देती हूँ। हमने
फॉर्मूला भी अभी वर्क के लिए पढ़ा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर डी वी. वॉट इज डी वी हेयर? डी वी जो है वो आपके पास पे क्या है, इसे थोड़ा सा एक बार जो है वो माइंड से स्लिप हो गया था, इसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ अगर मैं बात करूँ मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर एंड द डी वी हेयर. वॉट इज डी वी? डी वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम. अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रोसेस की, उस अकॉर्डिंगली आपने बात किया था एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक कंडीशन के अंदर कॉन्स्टेंट आ जाता है, चलेगा. तो ये कॉन्स्टेंट अगर मैं मान लूँ एक्सटर्नल प्रेशर को, तो इट विल बी द पी, द चेंज इन द वॉल्यूम from V1 to V2, and this will be the V2 minus V1. इसी तरह से कुछ आएगा, चलेगा. तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि भैया this is the volume है यार. यहाँ पर मैं बात करूँ माइनस पी, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन यार, राइट, चलेगा. यहाँ कंडीशन देखिए, अब हम इससे कोरिलेट करने की ट्राई करेंगे, जबकि ये वाली चीज़ हम पढ़ेंगे आगे. इससे जो है वो आप ज़्यादा अपने माइंड पर जो है वो फोर्स मत लीजिएगा. वी विल एक्सप्लेन, वी विल स्टडी हेयर अबाउट ऑल द सिचुएशन, वर्क इन ऑल द सिचुएशंस. इसकी बात हम अपने आने वाले क्लासेस में जो है वो करेंगे. हम वर्क को, वर्क के हर एक केस को जो है वो डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम थोड़ा सा जो है वो जनरल फॉर्मूला की हमने बात की, जो कि ये था हमारे पास. उसके बाद में हमने बात किया है अबाउट द साइन कन्वेंशन एंड द यूनिट की हम बात कर रहे हैं. चलिए ट्राई कीजिएगा समझने का. यहाँ अगर मैं बात करूँ डेल वी, व्हाट इज द डेल वी? द फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल, यही होता है ना डेल वी. डेल दैट इज अ चेंज, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट. ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हेन द वी टू इज ग्रेटर देन ऑफ वी वन, इट मीन्स द डेल वी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव दिस टाइम, राइट. डेल वी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव दिस टाइम, देख लीजिए डेल वी पॉजिटिव आ रहा है. चलिए यहाँ इस सिचुएशन की बात कीजिए, व्हेन द वी वन इज ग्रेटर देन ऑफ द वी टू, इट मीन्स डेल वी इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन, एंड डेल वी इज इक्वल्स टू निगेटिव दिस टाइम. इन द कंप्रेशन केस डेल वी निगेटिव होता है, जबकि एक्सपेंशन के लिए डेल वी पॉजिटिव होता है. अभी अभी हमने डब्ल्यू का फॉर्मूला जो है वो देखा है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी. अब आप चाहे इसको डेल वी लिखें, चाहे आप इसको डी वी जो है वो लिखिए, यहाँ पर ये तो नहीं कह रहे कि एकदम सेम होता है, लेकिन जो है वो ये डिफरेंस को बता रहा है. यहाँ पर बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम. हालांकि ये भी चेंज इन द वॉल्यूम ही है, बट व्हेन द चेंज इन द वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी विल यूज दिस डी वी हेयर. ओके, हैव अ लुक. W is equals to minus P dV or W is equals to minus P del V. Del or the D shows the change in the volume है यार. दोनों ही change in the volume को बता रहे हैं, एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है, चलेगा. Have a look here, when the formula is W is equals to minus P del V and when there is the work of expansion, in the expansion case del v is equals to positive. जब ये positive है तो देखिएगा ये आपके पास में क्या आएगा, expansion के केस में w हमेशा जो है वो negative ही आता है. Reason, del v is equals to positive here, when the del v is positive, sorry, when del v is positive, it means positive negative, plus minus will be minus, ये हमेशा negative ही आएगा. In the case of the expansion, W will always be negative. चलिए आगे compression की केस की बात करते हैं. Formula भी आपको यही देखना है, W is equals to minus P del V. Del V का value यहाँ in the case of compression negative है, तो minus minus will be plus, and W in the case of compression will always positive here, right? In the case of expansion, V2 is greater than of V1, means del V positive, means W will be negative in all the situations of expansion. Got it? चलिए कंप्रेशन का केस है तो V1 हमेशा V2 से ज्यादा होगा.
इनिशियल जो आपके पास में वॉल्यूम है वो हमेशा फाइनल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, मतलब कि वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ कंप्रेशन एयर। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द यूनिट फॉर वर्क। यूनिट फॉर वर्क की बात करते हैं, चलिए देखिएगा। यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट फॉर वर्क। हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू वी होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन द वॉल्यूम होता है। मतलब अगर आप जो है वो प्रेशर के यूनिट को वॉल्यूम की यूनिट से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द यूनिट फॉर द वर्क हेयर। राइट, हो सकता है ना ये। चलिए बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम की हमारे पास में जो है वो यूनिट क्या क्या हो सकती है, एंड वॉट कैन बी द यूनिट फॉर द प्रेशर हेयर। तो उससे डब्ल्यू का वर्क का जो है वो यूनिट कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉरी, चलिए बात करते हैं V, दैट इज वॉल्यूम। इट कैन बी इन लीटर, वॉल्यूम कैन बी इन लीटर हेयर। तो अगर मान लीजिए ये मैं लीटर में हो सकता है, इट कैन बी इन द एटमॉस्फेयर, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर किया जा सकता है। सो द यूनिट फॉर वर्क कैन बी लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर कैन बी द यूनिट फॉर द वर्क हेयर। वर्क की एक यूनिट हो सकती है लीटर एटमॉस्फेयर। चलिए वॉल्यूम कैन बी मीजर इन मीटर क्यूब, राइट, मीटर क्यूब कैन बी द एसआई यूनिट फॉर द वॉल्यूम हेयर। चलिए प्रेशर की बात करूँ, अभी अभी मैंने यहाँ पर जो है वो बात किया था इन द प्रीवियस स्लाइड कि हम बात कर रहे थे पी, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी द प्रेशर। फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन अपॉन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इट मीन्स द यूनिट फॉर द प्रेशर कैन बी द न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर्स पार माइनस टू। इस पार को आप ऊपर लेके जाइए, इट विल बी इन द नेगेटिव साइन। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस टू, राइट। And the unit for the W work can be, देखिएगा, meter cube can be the unit for the volume, newton meter spar minus 2 can be the unit of the pressure, ये आप cancel करेंगे, it will be the newton meter, and 1 newton meter is equals with the joule here, और joule को जो है वो लिखा जाता है J से, 1 newton meter will be equals with the 1 joule, और newton meter is equals to joule, it means the unit for the work can be जूल। जूल हो सकती है, लीटर एटमॉस्फेयर हो सकती है, इसको आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, राइट, ऐसा यूनिट चलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूटन मीटर पर माइनस टू विल बी इक्वल्स टू द पास्कल, प्रेशर की कोई यूनिट पास्कल भी तो हो सकती है। अगर इसकी यूनिट जो है वो पास्कल है, इसकी यूनिट मीटर क्यूब है, बिकॉज न्यूटन मीटर स्पार माइनस टू इसे पास्कल के जो है वो इक्वल है। सो आप कह सकते हैं इट विल बी द पास्कल मीटर क्यूब, या ये भी इक्वल है जूल के, राइट। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में वर्क की जो यूनिट आई, दैट कैन बी द लीटर एटमॉस्फेयर, दैट कैन बी द न्यूटन मीटर, दैट कैन बी द पास्कल मीटर क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स विद जूल, जूल के इक्वल होता है, और जूल जो है वो आपके पास में अर्घ के भी इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें 1 जूल इज इक्वल्स टू 10^7 अर्घ्स, और अर्घ भी आपके पास में यूनिट हो सकती है किसके लिए, फॉर द वर्क हेयर। द यूनिट फॉर द प्रेशर कैन बी द बार ऑल्सो, एंड इट कैन बी द लीटर बार, एंड 1 लीटर बार इज इक्वल्स विद द 100 जूल, राइट। लीटर एटमॉस्फेयर की बात करूं, 1 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। ओके, तो यहाँ आप ये कन्वर्जन में जो है वो काम में ले सकते हैं, और ये आपके पास में काम आएगा इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, आप अकॉर्डिंग टू दैट उसका कन्वर्जन कीजिए और उसको जो है वो यूज़ कीजिए। चलिए इसी के साथ अब ये क्लास जो है वो काफ़ी लंबी चली जाएगी, दैट्स वाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस, और हमें अभी जो है वो वर्क को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, हैप्पी मकर संक्रांति, वंस अगेन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग ऑल्सो, बाय।